दिव्य दृष्टि में हमारी जो पिशाचनी है लगता है कि सरहद पार से आने वाले आतंकवादियों से खूब इंस्पायर्ड है। तभी इन्होंने सोचा है कि परिवार वालों को भी अगर हानि पहुंचाएंगे तो 15 अगस्त के दिन पहुंचाएंगे। न जाने क्यों ये नहीं समझ पाते कि इस लोक के हों या किसी और लोक के हों। अरे भैया, भारत को आप ऐसे ही थोड़ी ना मुश्किल में डाल पाएंगे। बहरहाल पिशाचनी का ये नया तमाशा जरूर देखिए। पिशाचनी दिव्या और दृष्टि के पीछे पीछे अब ऑफिस तक आ गई है। और जैसा कि आप देखेंगे 15 अगस्त और रक्षाबंधन का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। फिर क्या पिशाचनी को एक और मौका मिल गया दिव्या दृष्टि को बर्बाद करने का। नकाब पहनकर आज वो इस फंक्शन में डांस करेगी और सबसे पते की बात तो ये है कि कोई भी इस पिशाचनी को पहचानेगा नहीं। दिस इज महान आत्मा शाचिनी पिशाचनी। तो वो आई अभी यहाँ पर कुछ पता नहीं डांस वांस करके कुछ इनको बेवकूफ बनाने का चक्कर है। बेचारे शेरगिल एज यूजुअल हिले हुए हैं, एज यूजुअल शाचिनी उनको हिला रही है, एज यूजुअल बाद में लड़ाई भी होगी और फिर पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने सुना कोई मेजर ट्विस्ट है। पहले तो पिशाचनी ने सोचा कि सभी लोग एक ही छत के नीचे हैं, तो क्यों ना इस जगह को ही बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। शाचिनी ने काफ़ी बॉम्ब प्लांट किए हैं हर फ्लोर पे और रिमोट उसी के पास है। अभी फ़िलहाल कहाँ है मुझे पूछना मत, लेकिन उसके पास रिमोट है तो वो जब चाहे जिस फ्लोर पे बॉम्ब ब्लास्ट कर सकती है। एंड बेसिकली आई थिंक शी इज़ गोइंग टू यू नो ब्लैकमेल और समथिंग लाइक दैट, या कोई बहुत बड़ा प्लान है। सारी महाशक्ति उसको मिल गई, लास्ट महाशक्ति बचा है मिलना, बस उसके लिए ये जद्दोजहद। और वहीं दूसरी ओर इन दिनों करण के साथ जो हो रहा है वो भी तो कुछ अजीबोगरीब है। मंकी मैन को अपने साथ लेकर आए, मंकी मैन है तो मेरा ही मैन पर उसको लेकर आए हैं यहाँ पर, ताकि ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ही नथिंग विल हैपन टू हिम एंड ही विल बी सेफ विद अस। पर आई एम टेलिंग यू दीज आर ऑल फूलिश पीपल, सब बेवकूफ है जो इतने दिनों से नहीं हुआ वो अभी कैसे होगा। खैर सीरियल की माया है, यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा ही होता रहेगा। वैसे पिशाचनी बॉम्ब से उड़ाने वाले आइडिया में तो फेल हो गई, तभी तो चेहरे पर नकाब लगाकर वो कुछ और ही बंदोबस्त कर रही है। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।